स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 18 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्न को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब ये राष्ट्रीयकरण टीका दिवस 16 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है मनाने का, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसके महत्व के बारे में। पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को पोलियो के खिलाफ जागरूक करने और दुनिया से इसी पूरी तरह से मिटाने का प्रयास करना है। 2021 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश ने अपना सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, फरवरी माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस और भी मनाए गए थे जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया था और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया था। अगर आप लोग याद करिए तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 11 फरवरी को मनाया गया था। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करूं तो इसे 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो अभी हाल ही में 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, तो आप लोगों को बताना है कि भारत के किस राज्य में हुआ है। तो यह भारत के हरियाणा राज्य में हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अभी हाल ही में 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। इस आयोजन में 5 देशों के राजदूत, विभिन्न राज्यों के पर्यटन विकास बोर्ड के अधिकारी एवं पर्यटन उद्योग से संबंधित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। 10वें इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव में पर्यटन उद्योग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। जो यह 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ था, इस आयोजन में उद्योग को मजबूत करने की चर्चा की गई थी। अब दोस्तों, इसे हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है, तो हरियाणा के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि बीजेपी पार्टी के नेता हैं। हरियाणा के गवर्नर की बात करूँ तो हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ हरियाणा की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो हरियाणा की लोकसभा में मात्र 10 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करूँ तो राज्यसभा में केवल 5 सीटें हैं। और विधानसभा की बात करूँ तो विधानसभा में 90 सीटें हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य की बात करूँ तो हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य। ये सारे के सारे नृत्य आप लोगों को हरियाणा राज्य में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में हरियाणा के बाद अब किस सरकार ने निजी कंपनियों की 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के बाद झारखंड की राज्य सरकार ने निजी कंपनियों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की घोषणा कर दी है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड है, हरियाणा के बाद। तो हरियाणा के बाद झारखंड देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां प्राइवेट कंपनियों में नौकरी के लिए स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी गई है। अब झारखंड के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में हुआ था। मध्य प्रदेश से अलग होकर झारखंड बना था।
झारखंड की राजधानी की बात करूं तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के गवर्नर की बात करूं तो झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। दोस्तों झारखंड में आप लोगों को बताया कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर 15 नवंबर 2020 में अलग राज्य बना था, तो आप लोग याद रखिएगा बिहार से अलग हुआ था झारखंड। अब झारखंड की लोकसभा में कितनी सीटें हैं बात कर लेता हूँ, तो झारखंड की लोकसभा में 14 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करूँ तो राज्यसभा में 6 सीटें हैं और विधानसभा में 81 सीटें हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और एक फैक्ट और याद रखिएगा झारखंड से, जो कर्क रेखा है भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 2021 में ग्रैमी अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में 2021 में ग्रैमी अवार्ड्स का 63वां संस्करण आयोजित किया गया है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अभी हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है जो अभी हाल ही में दिया गया है। वर्ष 1958 के कलाकारों की संगीतमय उपलब्धियों को सम्मानित करने और उनके सम्मान करने के लिए 4 मई 1959 को पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह कब आयोजित किया गया, तो पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया 4 मई 1959 ईस्वी में। और ग्रैमी पुरस्कार होता क्या है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक सुंदर पुरस्कार है। अब दोस्तों यह इस बार 63वां पुरस्कार दिया गया है, तो मैं आप लोगों को कुछ 63वां पुरस्कार नहीं दिया गया, यह इस बार का ग्रैमी अवार्ड जो हुआ 63वां संस्करण है ग्रैमी अवार्ड्स का, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर कुछ पुरस्कार की बात करूं तो अभी हाल ही में 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सायरा गुल सौतबे को सम्मानित किया गया है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर रमन गंगा खेडकर को सम्मानित किया गया है। अंजलि भारद्वाज को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनका नाम है अंजलि भारद्वाज। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण ने जीता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार ने जीता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत यानी कि MGNREGA के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर बन गया है? तो अभी हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में पहले स्थान पर बन गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अभी हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं MGNREGA है क्या, कि MGNREGA यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 नवंबर सन 2005 में विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले पर शीर्ष स्थान पर रहा। अगर टॉप 3 राज्यों की बात करूँ तो टॉप 3 राज्यों में आप लोगों को छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा और तीसरे नंबर पर असम देखने को मिलेगा। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2020 में हुआ था, जो भारत का 26वां राज्य बना था और किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। झारखंड बिहार से अलग होकर बना था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर है जो नया रायपुर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन।
अब छत्तीसगढ़ की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो छत्तीसगढ़ की लोकसभा में मात्र 11 सीटें हैं। और विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में आप लोगों को 90 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में केवल और केवल 5 सीटें हैं। और भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अचान कमार और इंद्रावती, यह दो मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों? तो अभी हाल ही में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत में विदेशी मुद्रा होल्डिंग 580.3 बिलियन डॉलर थी। रूस का रिजर्व 580.1 बिलियन डॉलर था। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड है। RBI, भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर RBI की बात करूं तो RBI 1 अप्रैल 1935 में बना था। मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है और वर्तमान समय में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, तो आप लोग याद रखिएगा RBI के डिप्टी गवर्नर कौन कौन हैं। एम राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन, BP कानून के, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अभी हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अब 770 गोल हो चुके हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले के सबसे ज़्यादा 667 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब फुटबॉल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। जैसे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए फुटबॉल खेल का जन्म कहां हुआ था, तो फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड देश में हुआ था। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन कौन करता है? तो पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन फीफा करता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफी है उसका नाम है DCM ट्रॉफी, हुरंड कप, रोवर्स कप, VC रॉय ट्रॉफी जिसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी बोलते हैं, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप इसे भी बोलते हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल की बात करूँ तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में भारत के पड़ोसी देश जो श्रीलंका है, इसने बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों, ऐसा करने वाला देश श्रीलंका बना, तो श्रीलंका के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश भी है। राजधानी कोलंबो है और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे भी है। करेंसी की बात करूं तो श्रीलंका में जो करेंसी है वो रुपया है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है, तो इसे आप लोग याद करिएगा। जो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको कौन अलग करता है? पाक स्ट्रेट अलग करता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन जी बने हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में सभी लोग जानते हैं, ब्रांड एम्बेसडर वो होते हैं जो किसी ब्रांड का प्रचार प्रसार करें, उसे ही ब्रांड एम्बेसडर बोला जाता है। अब टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कुलदीप हांडू हैं। आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर हैं अजय देवगन जी। मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं पिरूज खम्बट्टा जी। निर्मल भारत अभियान के
ब्रांड अम्बेसडर विद्या बालन जी हैं। अतुल्य भारत के ब्रांड अम्बेसडर कौन है? तो अतुल्य भारत के ब्रांड अम्बेसडर अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो अभी हाल ही में रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर सोहेब अख्तर के नाम पर रखा गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो रावलपिंडी की KRL स्टेडियम का नाम बदलकर पाकिस्तान की पूर्व तेज गेंदबाज सोहेब अख्तर के नाम पर रख दिया गया है। दोस्तों अब KRL स्टेडियम सोहेब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ और क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बता देता हूं, या जिनके अभी हाल ही में बदले गए नाम हैं। तो जैसे अभी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम आप लोग सुना होगा, तो इसका नाम क्या बदल कर दिया गया था? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल कर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, प्रश्न है, हाल ही में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये रहा करंट आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।